Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm very much thankful to Qasim and Shah Foundation. आपने मुझे यहाँ invite किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा नाम नाजरा जबीन है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल से IELTS teach कर रही हूँ. And inshallah I am going to inaugurate my own institute in Barrytown. और उसके अलावा मैं एक digital marketing company को भी देख रही हूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास न्यू टैलेंट है जो कि इन सारी चीज़ों से डील कर सकते हैं. आफ्टरवर्ड्स इसके अलावा मैं अपनी जॉब रन कर रही हूँ. जॉब में माशाल्लाह मैं 3 डिपार्टमेंट्स देखती हूँ जिनकी कोऑर्डिनेशन है मेरी. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय ऑल जॉब एफर्ट्स. पैसे खर्च करने के बावजूद वो सक्सेसफुल रेट नहीं है आइल्स का. उसकी रीज़न बेसिकली जो मैं समझती हूँ, हमारे पास 2 से 3 स्टेप्स हैं. फर्स्टली एक हमारे पास इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट एंड टीचर, ट्रेनर. डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टूडेंट किस फॉर्म में आता है, हमारे पास इंस्टीट्यूट किस फॉर्म में है और हमारे पास ट्रेनर कौन है. हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी मिसफॉर्च्यून हमारे स्टूडेंट्स की क्या है कि वो बेसिकली असेस ही नहीं कर पाते कि वो जो करने जा रहे हैं इधर दे आर गोइंग विद सेटिस्फेक्शन और नॉट. जब वो 2 से 3 माह आइल्स कर लेते हैं उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो आइल्स उन्हें करना था उसमें फेलियर ले चुके हैं. फॉर द रीज़न, सबसे पहले एक मैं यहाँ पर माजरत के साथ ही कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में डिसऑनेस्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी है. ठीक है, जब एक स्टूडेंट आइल्स करने जाता है, आई डोंट नो फ्रॉम विच फैमिली ही और शी बिलोंग्स, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज द मनी. ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं. हम अगर ये सोचें कि अगर एक बंदा आइल्स कर रहा है या बाहर जा रहा है तो वो डेफिनेटली किसी एलीट क्लास से जा रहा होगा, नो दिस इज़ नॉट श्योर. असल में वजह क्या होती है कि हमारे यहाँ पर मोस्टली लोग वही बाहर जाना चाहते हैं जो अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, अब होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो किसी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं कि जहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज़ ना मिलती हों. जैसे आप देखें कि आर्ट्स से रिलेटेड हमारे पास लिसनिंग है. लिसनिंग से रिलेटेड आप अगर एक हमारी जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं आर्ट्स की, एक में हमें हेडफोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज़ ब्रिटिश काउंसिल, एंड अदर वंस दूसरे में हमें हेडफोन्स नहीं प्रोवाइड किए जाते. ओपन मीडियम में आपने लिसनिंग करनी है. जब एक स्टूडेंट ओपन मीडियम में लिसनर होगा तो वो कैसे हेडफोन में जज कर सकेगा चीज़ें. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही नहीं बताया जाता कि ये फ्रिक्वेंसी बेस्ड हेडफोन होते हैं. जैसे ही आप थोड़ा सा टर्न करते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है. समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये नो हाउ ही नहीं होती. सो देयर फॉल स्टैंड्स फॉर द ट्रेनर. यहाँ पे उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया. ठीक है, उनको ये नहीं बताया गया. फिर होता क्या है कि स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के चला जाता है इंस्टीट्यूट से, वो घर जाता है तो उसके लिए वो चीज़ें समझनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं. मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो होता ये है कि वो ये कहते हैं कि जी हम 12-12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन हमारे बैंड्स नहीं आते. आइट्स मैंने हमेशा एक चीज़ स्टूडेंट्स को समझाई है, काउंसिल की है कि ये कोई हमारे पास कोर्स स्टडी नहीं है, दिस इज़ अ फॉर्मुलेटेड स्टडी. आपको एक फार्मूला दिया गया है, आपने उसके मुताबिक चलना है. ठीक है, हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं हैं, वी आर नॉट फॉरेनर्स बाय बर्थ, हम कोई इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं. होता ये है कि हर बंदा इसी प्रॉब्लम में रहता है, इसी हेजिटेशन में रहता है कि मैं अगर एक बल्क में बैठा हुआ हूँ तो मैं इसके सामने गलत इंग्लिश बोलूँगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि लोगों में अप्रिसिएशन नहीं है, लोगों में पॉजिटिविटी नहीं है. जो टीचर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि जी आप यहाँ पर आके बोलें. ठीक है, वो वहाँ पे जाके तो बोल लेता है लेकिन जब वही क्लास उसके ऊपर उसका मजाक उड़ा रही होती है तो सोचे उस स्टूडेंट के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है. रादर देन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस दे जस्ट लेट डाउन, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आती हैं. हमारे यहाँ पर एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं है. रादर जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाती हूँ तो मैं उनको सिर्फ एक चीज़ समझाती हूँ, आप ये जहन में रखें, हमारी मदर टंग उर्दू है, हमारी मादरी जुबान उर्दू है, हम पंजाबी भी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश हमने इसलिए बोलनी है क्योंकि ये एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये एक वर्ल्ड वाइड बोली जाने वाली जुबान है. ठीक, तो उस जुबान को हमने लेके आगे चलना है क्योंकि हम दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं. लेट से अगर हम मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हम उनकी लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते. हम जर्मनी जाते हैं, हम इटली जाते हैं, हम उनकी लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते. वी हैव अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओवर देयर एंड दैट इज इंग्लिश. ठीक है, उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म नहीं किया जाता, इस वजह से स्टूडेंट्स का फेलियर होता है.
और वो फेलियर इस वजह से होता है कि स्टूडेंट्स फर्स्टली खुद भी सिंसियर नहीं होते, ठीक है, वो यहाँ से पढ़ के चले गए हैं, घर जाएंगे, अपनी बुक्स रोल अप करेंगे और बैठ जाएंगे, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। यहाँ पर एक्सेंट है, ठीक है, यहाँ पर फोनिक्स हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनको हमने डेवलप करना है। अब आप ये देखें कि हम बचपन से सिर्फ एक वर्ड ए ए ए पढ़ते आ रहे हैं, ए इज नॉट अ लेटर, इट्स ए। हम बोलते हैं जस्ट गो एंड ओपन द गेट, इट्स नॉट गेट, इट्स गेट। जब आप एक चीज को 10 दफा सुनेंगे तो आपको वो चीज समझ आएगी। अब होता क्या है, यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट आता है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ डिसऑनेस्ट इंस्टीट्यूशन। वो आता है, उसको एक पेपर दे दिया जाता है और लिसनिंग प्ले कर दी जाती है। होता ये है कि वो स्टूडेंट वो सारी चीजें सुन के उसको फिलअप करके फॉर्म को चला जाता है, ठीक। अब अगले दिन जब वो आएगा, वो फॉर्म उसको चेक हुआ हुआ मिलता है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू टेल देम और असेस देम वेयर दे आर रॉन्ग एंड वेयर दे आर राइट फॉर वट दे हैव टू गो। मैं जो स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, मैं उनको सिर्फ ये बताती हूँ कि बेटा आपको ये फोनिक्स सुनने में इशू आ रहा है। मैं उनको रिपीटेडली ये चीजें करवाती हूँ, बार बार ये चीजें समझाती हूँ कि आप यहाँ पे रॉन्ग हो रहे हो क्योंकि आपको बी की साउंड नहीं समझ आती, आपको सी की साउंड नहीं समझ आती। वी हैव फोनिक्स, वी हैव एक्सेंट्स दैट बेसिकली एनहांसेस द बैंड इम्प्रूवमेंट इन आइल्स। जी शुएब, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि इंग्लिश पढ़ाने और सिखाने का आसान तरीका क्या है। देखिए, आसानियां हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं और मुश्किलात भी हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं। चीज़ों को आसान सिर्फ इसलिए इस तरह मनाया जाता है कि जब हम किसी भी बंदे के मेंटल स्टेटस पे चले जाते हैं। अब आइल्स को आसान कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, मैं अगर जॉब कर रही हूँ और एनी हाउ आई हैव टू क्लियर द आइल्स, मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज़, मैं ये जिस चीज़ को मैं बेसिक समझती हूँ ना, जहाँ पे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको उसके मुताबिक वक्त नहीं मिलता। एक स्टूडेंट कॉलेज से पढ़ के आ रहा है, उसने 3 बजे कॉलेज से आना है, ठीक है। अब 3 बजे तो वो कॉलेज से आ गया, उसके बाद उसको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा जो 3 बजे से 4 बजे तक उसको क्लास दे। सो वेयर ही स्टैंड्स, उसकी मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो गया। अब वो कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढने की कोशिश करेगा जहाँ पे उसको उसकी अकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली टाइम मिल जाए। अब उसको अगर वो ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढने की कोशिश करता है, लेट्स से अनफॉर्चुनेटली उसको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिलता है जहाँ इंस्ट्रक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है, ये भी उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो जहाँ सिखाने की बात है ना कि इसको कैसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है, सबसे पहले मैं यही समझती हूँ कि स्टूडेंट के मेंटल लेवल पे जाएं। स्टूडेंट की कोई एक कैटेगरी नहीं होती, क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेने वाला भी स्टूडेंट होता है, क्लास में 30th पोजीशन लेने वाला भी स्टूडेंट होता है। असेसमेंट करना ट्रेनर का काम होता है, टीचर का काम होता है, और उन सबको एक लेवल पे लेके आना वो भी टीचर का काम होता है। ये कैसे होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। जब तक हम स्टूडेंट को काउंसल नहीं ना करते, हम नहीं समझ सकते कि हम इसको पढ़ाएंगे कैसे, राइट। अब एक स्टूडेंट है, वो मैट्रिक लेवल का है, उसकी परेशानियाँ कुछ और तरह की हैं। एक स्टूडेंट है वो इंटरमीडिएट लेवल का है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ और तरह की हैं। अब फर्ज करें कि मेरे पास 30 स्टूडेंट एक क्लास में बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 20s टिल द एज ग्रुप ऑफ 50s। अब मैंने उन सबको साथ लेके चलना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी है। मैंने उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अब उन सबको एक आसान लेवल पे लाने का तरीका ये है कि उनको सिर्फ ये काउंसल करना कि वी ऑल आर दी बेसिकली नॉट नेटिव स्पीकर, हमने इसको सीखना है, हमने इसको बोलना है, ये हमारी ज़रूरत है, दिस इज़ नीड ऑफ आवर टाइम, दिस इज़ नीड ऑफ आवर रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ा दे आर गोइंग टू अप्लाई, ठीक है। उनके लिए जितनी आसानियाँ हम पैदा करेंगे, उन आसानियों से रिलेटेड नंबर ऑफ थिंग्स हैं। जैसे अब हमारे यहाँ पे कुछ लोगों के एक्सेंट्स अच्छे नहीं होते, इंग्लिश तो बोल लेते हैं लेकिन वो एक्सेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। उनकी एक्सेंट डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। हम उनको वहाँ पे पॉलिश करते हैं,
कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अल्फाबेटिकली फोनिक्स ही नहीं बताए हैं कि ए को कैसे प्रोनाउंस करना है, बी को कैसे करना है. देर आर फ्यू लेटर्स जो कि पूरी की पूरी इंग्लिश को चेंज कर देते हैं. अब मैंने ऐसे ऐसे माशाल्लाह मेरे पास इतनी अच्छे अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स आए हैं कि जो अच्छी कंपनीज में बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स पे हैं, लेकिन उनके कुछ इश्यूज हैं. वो क्यों हैं? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं था. ठीक है, अब उसमें उनका कसूर नहीं है, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं था. एक्चुअली ये तो बाय नेचर हो गया ना कि उन्होंने एक स्कूल से पढ़ना शुरू किया, करते 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 वो वहां तक पहुंच गए. हमारे यहाँ पे लोगों में सीखने की सलाहियत भी नहीं है, लोग चाहते भी नहीं है. वो ये चाहते हैं हम बाहर चले जाएं लेकिन हमें कुछ करना ना पड़े. ठीक है, और उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे बेसिकली बच्चों को ना थोड़ा सा ग्रूम इस तरह किया जाए, क्योंकि देखें हमने एट द एंड कहीं ना कहीं इंग्लिश को फेस करना है. हम इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे जा रहे हैं इन एनी वेज. हमारा मीडिया, हमारे लोग, हर बंदा, आपको पता है कहीं ना कहीं इंग्लिश को रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि ये एक नीड ऑफ टाइम है और ये अब होनी भी चाहिए. ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए ये एक जरूरी चीज बन गई है. सो वी शुड गो फॉर द ग्रूमिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि उनको उस लेवल तक लेके जाएं कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए जो उनकी बेसिक. हम ये देख लेते हैं कि ये बच्चा, इसका एक्सेंट अच्छा नहीं है. मैं एक मदर हूँ, ठीक है, मैं एक आम मदर हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन मुझे वो चीज़ें सुनने में तो आती हैं ना. मैं अपने बच्चे को एक बहुत अच्छे हाई फाई स्कूल में भेज देती हूँ. ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि मदर्स को भी ग्रूम करना, बहुत थोड़ी सी अवेयरनेस ना हमारी हाउसवाइफ्स को भी देनी चाहिए. फिर देखें हमारे माशरे में जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है पॉजिटिविटी. ठीक है, हमारे यहाँ पे लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेके अगर चला जाए तो इट विल माशाल्लाह. मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि कासिम अली शाह साहब ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पर ऐसे ऐसे टैलेंट्स जो हैं उनको बाहर लेके आया जा रहा है कि यानी मैं खुद हैरान होती हूँ कि ये लोग कहाँ थे. दिस इज़ जस्ट द एफर्ट ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन. ठीक है, इसी तरह मैं ये देखती हूँ कि बच्चे शाय फील करते हैं. क्यों फील करते हैं? मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है, मैंने तो उसके साथ इंग्लिश में बात कर ली, लेकिन उसके पास, मेरे पास अगर मेरा कोई ऐसा रिलेटिव बैठा हुआ है तो दे विल बिहेव लाइक के देखो यार क्या ये हमारे पे रोब झाड़ है. ये रोब नहीं होता, एक्चुअली होता ये है कि हमें इससे सीखना चाहिए, दूसरे बच्चे भी इससे सीखते हैं. जब एक कम्युनिटी में हम बैठते हैं ना तो हम इन चीज़ों को पॉजिटिव ले कर चलें तो ये चीज़ें और ज़्यादा बेटर डेवलप होती हैं, रादर देन कि हम ये सोचें कि अगर ये इंग्लिश बोल रहा है तो ये मुझे लेट डाउन कर रहा है. ऐसा नहीं होता. हम अगर जब किसी कम्युनिटी में बैठ रहे हैं तो हम उसको कम्युनिकेट करके उसको एनहांस कर सकते हैं, उसमें बेटरमेंट लेके आ सकते हैं. देखिए शोएब, इसमें डिफरेंट हमारे पास बड़ी फैसिलिटीज़ हैं. वर्ल्ड हैज़ बीन जस्ट इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ. ठीक है, अब हम एक ग्लोबल विलेज पे स्टैंड कर रहे हैं, अब वो बात ही नहीं रही कि हम दुनिया से कटे हुए हैं. इंटरनेट इज़ अ वेरी वेरी बिग सोर्स. आप नेट पे चले जाएं, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट रिसोर्सेज मिलेंगे जहाँ पे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कितना है. ठीक है, अब आप ये सोचें कि मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं जिनमें से मैं ये समझती हूँ कि कुछ डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ अता किया है कि मुझे इस काबिल बनाया. सबसे पहले तो मैं ये शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों के काम आ सकती हूँ. ठीक है, उसके बाद जो लोग उनसे कंसर्न होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि वो आगे जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ता है मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप आगे जाके पढ़ाएं. ठीक है, ऐसे ही चिराग से चिराग जलता है. होता ये है कि लेट्स से कि एक बच्चा है वो इसकी ये सिचुएशन नहीं है कि वो फ़ी पे कर सके. अब वो क्या होगा कि मेरी जहाँ तक सोच होती है, और स्टूडेंट्स जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखिए जिसमें अर्ज होती है ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं. मैं समझती हूँ ना, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प आउट करती है, वो IELTS_Mentor के नाम से है. अगर आप उसको जस्ट गो थ्रू कर ले, जो एक स्टूडेंट अगर उसको गो थ्रू कर ले ना,
I assure that 100% he or she will get not less than 7.5 band. अगर वो without किसी instructor के भी इस website से go through होते हैं तो उनको ये मैं surety करती हूँ कि वो 7.5 से कहीं भी नीचे band नहीं ले सकते. और इसी तरह की बहुत सारी resources हैं, इसी तरह की बहुत सारी guidances हैं, इस तरह की बहुत सारी books हैं. आप just Google पे जाके IELTS लिखते हैं तो आपके पास ढेरों websites आती हैं. ठीक है, अब depends कि आप उसको कैसे perceive करते हैं. Depends कि एक student उससे कितना ज़्यादा अपना जो है knowledge generate कर लेते हैं, कितना उससे जो गेन कर लेते हैं. शेब, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर आई एम गोइंग टू इनॉग्रेट माय ऑन इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स विद द नेम ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, अब वहाँ पे मेरा तरीका कार पढ़ाने का क्या होगा. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल आइल्स पढ़ाया दुबई में. ठीक है, वहाँ पे आई हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब तो मुझे ये याद भी नहीं कि मैंने वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और जिनमें से मेरे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की थी वो सिख थे. वुड यू बिलीव कि वो जब मेरे पास आते थे, आई एम रियली वेरी मच सॉरी टू से, ये उनका अंदाज था कहने का, मतलब मेरा कुछ भी नहीं इसमें था. वो आके मुझे हमेशा ये कहते थे कि मैडम तुसी भगवान हो, साढ़े वास्ते उस्ताद भगवान होंगे, तो तुसी जिस तरह पढ़ाते हो ना, साढ़ा दिल कर दे कि असी ताड़े कोलों बैठ के सुनिए. अब उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि दुबई में ऐसा तो नहीं कि इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, डेफिनेटली हैं. वजह ये थी कि मैं उनको पंजाबी में इंग्लिश पढ़ाती थी. ठीक है, मेरा पढ़ाने का अंदाज ये है कि जो स्टूडेंट जिस लेवल पे उसको समझ सकते हैं मैं उसको उस लेवल पे पढ़ाती हूँ. उसके अलावा आपने पूछा कि आपके इंस्टीट्यूट में डिफरेंट क्या है. मेरे इंस्टीट्यूट में डिफरेंट ये है कि मेरे पास अगर स्टूडेंट देखें, सिर्फ पैसा कमा लेना ही काम नहीं होता. आपको नहीं पता कि आपके पास कौन शख्स किस ज़रूरत से आ रहा है. ऑनेस्टी आपकी सक्सेस है. अब अगर मुझे कोई स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि मुझे रात के 2 बजे पढ़ना है, तो वुड यू बिलीव कि मैं रात के 2 बजे भी ऑनलाइन पढ़ाती हूँ. ये अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा ये मैं समझूंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ अता किया है. मैं रात के 2 बजे भी अगर मुझे स्टूडेंट कहे ना कि आप मुझे पढ़ाएं, और अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है और उसका एग्ज़ाम है, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि 24 आवर्स मेरा फ़ोन अवेलेबल है, आप जिस वक्त चाहो आप मुझे कॉल करो. आई नेवर एवर बॉदर कि उससे मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी या कोई ऐसा, क्योंकि देखें एक बंदा है, उसने इतनी मेहनत की, उसका मुस्तकबिल स्टैंड कर रहा है इस चीज़ पर. अब मैं यहाँ ये सोच लूँ कि नहीं भी मेरा तो टाइम 9 to 5 है, इसके बाद की काउट है मोर हर, सो दिस इज़ नॉट द वे. अब हमारे यहाँ पे क्या है कि 22 घंटे का आइल्स होता है इंटरनेशनली, 22 आवर्स जो है वो आइल्स पीरियड है. मेरा ये तरीका कार है कि मैं हमेशा स्टूडेंट को उतना टाइम देती हूँ, मैं उसको असेस करती रहती हूँ जब तक वो मुझे ये फील नहीं होता कि हाँ ये एलिजिबल है. ठीक है, अब मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीक होते हैं. ठीक है, हर स्टूडेंट पे अलग अलग से मेहनत करनी पड़ती है. मैं 6 माह तक भी स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, लेकिन देखें इसमें हम दोनों की बेहतरी है, उसका मुस्तकबिल है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी अपनी इज्जत का बड़ा मामला है. कोई उससे ये पूछेगा कि बेटा तुम तो बहुत वीक थे, तो तुम्हारी कौन टीचर है, मुझे उससे मिलवाओ. सो इट्स एन ऑनर फॉर मी. और आप यकीन करें कि मेरे पास फेलियर चैलेंज केसेस आते हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके रिक्वायर बैंड्स लेके दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो यही मेरे पास, मैं कहूँगी कि मेरी स्पेशलिटी है कि आई एम अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स और विद ऑनेस्टी. ये नहीं कि मैं उनको कहूँगी कि आप इतने से इतने दिन बजे आएँ, इतने टाइम पर आएँ, इतने टाइम पर नहीं आएँ. अगर वो लेट हैं या उनको कोई ऐसी एमरजेंसी है तो मैं उनको अकोमोडेट करती हूँ. और यही ज़रूरत है हमारे लोगों को. एक बंदा 6 बजे जॉब करके आ रहा है, उसको इंस्टीट्यूट ही नहीं मिल रहा, तो उसने क्या करना है. ठीक है, अब मैं उसको 8 से 9 की क्लास दूंगी. तो बस मेरे लिए जो यहाँ पे डिफरेंस मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट से नज़र आता है, अकोमोडेटी के उनको अकोमोडेट करें उनकी रिक्वायरमेंट उनके टाइम के मुताबिक, और दूसरी चीज़ ये है कि हर स्टूडेंट को उसके लेवल पर जाके समझें, वो बहुत बेहतर है. क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक हमारे माइंड बैक में चल रही होती हैं, हम उनको असेस नहीं कर पाते. आप उन स्टूडेंट्स को काउंसल करें और उनको लेके चलें, देन सी व्हाट वुड बी द रिजल्ट.